एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। इट्स इस फोल्डर का नाम मैंने क्रिएट लिख दिया। फोल्डर को सेलेक्ट किया, ये मेरे पास पर्टिकुलर फोल्डर ओपन होके आता है। सिंपल सी फाइल बनाते हैं, लेट्स से a.html। शिफ्ट प्लस एक्सप्लेटिव मार्क, ऑल्ट प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एस, सिंपल सा एक पेज बनाते हैं। वेबसाइट जो रिकमेंडेड है ग्रिड इन सीएसएस, इस तरीके से लिखकर आप W3 स्कूल पे देख सकते हैं कि ग्रिड का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से आप ग्रिड को समझते हैं। ये आपके पास ग्रिड है। ग्रिड लेआउट मॉड्यूल ऑफर्स अ ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम विथ रोज एंड कॉलम्स, मेकिंग इट इजियर टू डिजाइन वेब पेज विदाउट हैविंग टू यूज फ्लोट एंड पोजिशन प्रॉपर्टी। सेम जो हमने फ्लेक्स पर डिस्कशन किया था, सेम उसी तरीके से रो और कॉलम्स पर हम लोग बात करेंगे, तो हम ग्रिड पर बात कर सकते हैं। पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना, ये पेज बनाने के लिए हमारे पास ग्रिड का सिस्टम कॉन्सेप्ट है। कैसे हमें पेज पर काम करना है, लेट्स से मैं पेज पर आया, मैंने सिंपल सा इसको समझने के लिए बॉडी वाले सेक्शंस पर एक डिव बनाया। लेट्स से डिव डॉट कंटेनर नाम से मैंने एक डिव को डिफाइन कर दिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने चार डिव्स बना दिए, लेट्स से आइटम डॉलर मल्टीप्लाइड बाई 4, इस तरीके से मैंने चार डिव्स को बना दिया। CSS लिखने के लिए मैं एक सिंपल सी अलग से फाइल बना देता हूँ। लेट्स से मैंने एक फोल्डर बना दिया स्टाइल नाम से, और इस फोल्डर के अंदर में मैंने स्टाइल डॉट CSS नाम से एक स्टाइलिंग फाइल बना दी। सबसे पहला काम, जब भी हम पेज को बनाते हैं तो हमने स्टार पर मार्जिन को 0 पिक्सल सेट किया, पैडिंग मैंने डिफाइन कर दी 0 पिक्सल पर, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया। क्योंकि डिफ बना रखा है, उस डिफ कंटेनर वाले के लिए CSS डिफाइन करने के लिए मैं पेज पर आया, मैंने डॉट कंटेनर नाम से एक डिफ डिफाइन कर दिया। इसकी मैंने एक सिंपल सी विड्थ अभी के केस में दे दी, लेट्स से 500 पिक्सल। मैंने इसकी एक हाइट दे दी, लेट्स से 200 पिक्सल या 300 पिक्सल, और इस पर एक बॉर्डर डिफाइन कर दिया समझने के लिए 1 पिक्सल सॉलिड, लेट्स से रेड कलर से बॉर्डर दे दिया। जो भी डिव्स बाकी बना रखे हैं उन डिव्स को लेट्स से आइटम 1 इस तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ, आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4। मेरे पास चार डिव हैं, लेट्स से मैंने उन चार डिवों को एक CSS दे दी कुछ इस तरीके से। लेट्स से मैंने विड्थ उनकी डिफाइन कर दी बहुत सिंपल सा, मैंने इसका एक हाइट डिफाइन कर दिया लेट्स से 100 पिक्सल, या काम कर लेते हैं 50 पिक्सल ऐसा कुछ मैंने दे दिया, और एक बैकग्राउंड पे कलर दे दिया कोई भी एक कलर। लेट्स से तीनों डिव्स को अलग अलग कलर डिफाइन कर देते हैं, हाइट विड्थ इक्वली रख रहा हूँ, बाद में इन वैल्यूज को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली जैसा हम पढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर अभी मैंने सिंपल सा ऐसा कुछ दे दिया। मैं कंट्रोल प्लस एस सेव करता हूँ, इस a.html वाली फाइल पर जो भी CSS है उसको लिंक करवा देते हैं, लिंक CSS। सिंपल सा काम किया, स्टाइल स्लैश और इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट CSS ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो मैंने एक कंटेनर डिव बनाया है, और उस कंटेनर डिव के अंदर मैंने चार डिव बनाए हैं, उन डिव्स की मैंने हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बैकग्राउंड कलर हर एक का अलग दिया है। जाकर अगर पेज पर इस आउटपुट को देखूँ तो सबको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर आप पेज पर आइए, आपने स्टाइल डॉट CSS पे सबको अलग अलग कलर देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका रेड देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स से मैंने ब्लू दे दिया, हर एक का अलग अलग कर देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर पेज पर आया और मैंने इसको ऐसे कुछ भी एक कलर दे दिया, लेट्स से पिंक दे दिया, सेव किया। जाकर अगर पेज पर इस आउटपुट को देखता हूँ तो आप देखिए आपको चार डिव दिखाई देते हैं। इन चार डिवो को अगर आपको रोवाइज करना है तो आपको सिंपल सा काम कर रहे हैं, आप पेज पर जाकर देखिए, आपको पेज पर डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी देनी होगी। यहाँ पर आप डिस्प्ले को ग्रिड देते हैं, जब आप डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इससे कुछ नहीं होता है, आप डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, सिर्फ ये गैप जैसा कुछ हो रहा है।
आप यहां पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पैनल अगर करें, इंस्पेक्ट पैनल पर जाकर अपने इस एलिमेंट सेक्शन पे, जैसे मैं ग्रिड पर क्लिक करता हूं तो ग्रिड पर क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कुछ नंबरिंग सी बन के आ रही है, कुछ नंबरिंग सी ऐसा कुछ हो जाता है। बट हमें ऐसे अगर रोवाइज करना है तो रोवाइज करने के लिए मेरे पास सीएसएस की प्रॉपर्टीज होंगी। उन प्रॉपर्टीज में से कौन सी ग्रिड की प्रॉपर्टीज है? आप ग्रिड की प्रॉपर्टीज, अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी मेरे पास है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। कितने कॉलम्स बनाने हैं? जैसे मुझे दो कॉलम्स बनाने हैं, तो दो कॉलम बनाने हैं किस किस पिक्सल्स के बनाने हैं? बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, किस किस पिक्सल के बनाने हैं? सर मुझे 30 पिक्सल का पहला कॉलम बनाना है और 70 पिक्सल का दूसरा कॉलम बनाना है, जैसे ऐसा कुछ लिख दिया। या अगर आप 300 पिक्सल दिख रहे हैं तो 300 पिक्सल का पहला कॉलम और 700 पिक्सल का दूसरा कॉलम, ये आपने डिफाइन किया। अब आपने यहाँ से विड्थ हटा दी, यहाँ देखिए आइटम वन से आपने विड्थ हटा दी, आइटम टू से भी विड्थ हटा दी, क्योंकि विड्थ आपने डिफाइन कर दी है, आपने ऊपर विड्थ दे दी है। कहाँ पर दे दी है? इस पर्टिकुलर जगह पर आपने विड्थ को डिफाइन कर दिया है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पर, कि 300 पिक्सल का पहला कॉलम और 700 पिक्सल का दूसरा कॉलम बनेगा। और टोटल विड्थ, अब जो भी टोटल विड्थ है, लेट से यहाँ पर टोटल विड्थ को भी अगर मैं हटा दूं, मैंने कहा कि भाई जो टोटल विड्थ है वो कितनी हो, 100 VW हो, जो भी स्क्रीन पे बन रहा है उसकी 100 VW हो, ऐसा कुछ मैंने रेंडम लिखने की कोशिश करी। आप सेव कीजिए, जाकर अगर पेज पर देखते हैं तो आप देखिएगा आपको पेज पर दो कॉलम्स बने हुए दिखाई देंगे, और ये ग्रिड पर अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नंबरिंग सी बन रही है। यहाँ पर आप पेज पर देखिए ऐसे कुछ बन रहे हैं। जो पिक्सल्स आपने दिया है वो पिक्सल्स अभी रेंडम आपने दिया है, ये 300 और 700 पिक्सल आपने रेंडम दे रखे, तो भाई दो कॉलम से बने, तीन कॉलम से बने, किस किस पिक्सल के बने? सर एक 300 पिक्सल का बने, एक 700 पिक्सल का बने और एक 200 पिक्सल का बने। पिक्सल डजंट, यू डो नॉट हैव टू यूज पिक्सल प्रॉपर्टीज। पिक्सल क्यों नहीं यूज करेंगे? पिक्सल रिस्पॉन्सिव नहीं करती है, हमें प्रॉपर्टीज जो यूज करनी चाहिए वो करनी चाहिए हमेशा कौन सी, जो पेज को क्या कर पाए, रिस्पॉन्सिव कर पाए, जहां से हम चीजों को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव कर पाए, ऐसी प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी चाहिए। तो हम अलग अलग फ्रैक्शंस डिवाइड कर सकते हैं। हाइट पे आप देख रहे होंगे आपको हाइट नहीं दिखाई दे रही है, तो हाइट भी आप हटा देंगे। यहाँ पर आप पेज पर आपने हाइट को भी हटा दिया, ये भी आपने हाइट को जो था वो हाइट है कर दी कमेंट। अब हाइट जैसे कमेंट करते हैं आप देखिएगा पेज पर आपने जो भी पिक्सल्स डिफाइन करे हैं उस पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ये पेज पर ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पर आप इन डिप्स को अगर सेपरेट करना चाहते हैं, इन डिप्स को अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? यहाँ पर प्रॉपर्टीज अलग अलग देकर, आप किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे सकते हैं? आपने कहा कि पहला वाला जो टिप है वो एक वन फ्रैक्शन का बने, अब 100 VW जो आपने डिफाइन कर रखा है उसमें आप फ्रैक्शन दे रहे हैं, ये पहला वाला जो टिप है वो कितना 1 FR वन फ्रैक्शन का डिफाइन है, दूसरा वाला जो डिप है वो आपको लेट से 3 फ्रैक्शन का डिफाइन करना है, 100 में से तीसरा हिस्सा किसको मिल जाए, दूसरे वाले डिप को मिल, ये आपने डिफाइन किया। और तीसरा वाला जो डिप है लेट से आपने कहा वही वो कितने का बने, 2 FR का बने, तीन कॉलम से बने, अलग अलग फ्रैक्शंस के बने। अब आप देखिए पेज पर आउटपुट को, ये देखिए कि आपको एक फ्रैक्शन का दिखता है, ये 3 फ्रैक्शन का और ये 2 फ्रैक्शन का मिलता है। 6 डिप होते तो आपको ये 6 डिप इक्वलिटी दिखाई देते। आप यहाँ पर पेज पर देखिए, आप ये .html वाली फाइल पर अगर 6 डिप्स बनाते हैं तो आपने क्या किया, जैसे मैं एक काम कर देता हूँ 2 डिप्स को यहीं से कॉपी और पेस्ट करता हूँ पेज पर, तो आपको ये अलग अलग फ्रैक्शन के 6 डिप बने हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आप पेज पर देखिए, ये आपको 6 डिप मिला, ठीक है। आप अगर ये कहते हैं कि सर मुझे इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के 4 कॉलम्स बनाने हैं तो आप यहाँ 4 कॉलम्स को डिफाइन कर देते, 4 कैसे कैसे डिफाइन कर देते, इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के चाहिए होते तो आप 1 FR 1 FR 1 FR 1 FR और 1 FR इस तरीके से अगर लिखते तो आपको 4 कॉलम्स बने हुए दिखाई देते। ये देखिए आप पेज पर देखिएगा 4 कॉलम्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 चार कॉलम से बनने चाहिए। तो किस तरीके से, यहाँ पर आपको 4 कॉलम से डिफाइन करने पड़ेंगे, 1 FR 1 FR 1 FR 4। अब ये 5 दिखे तो कितने होंगे, 5 दिखाई देंगे, तो आपने इक्वल 4 डिफाइन कर दिए तो ये 4 इक्वल 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 फ्रैक्शन। अगर आपको इक्वली देने, आपने कहा सर मेरे को 4 बनाने हैं और इक्वल इक्वल फ्रैक्शन के बनाने हैं, तो आप इस तरीके से मैं यहाँ पर एक रिपीट मेथड का यूज कर सकते हैं, रिपीट 4, 1 FR आपने डिफाइन कर दिया तो 4 बनेंगे और इक्वल इक्वल फ्रैक्शन के बनेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 4 1 FR इस तरीके से डिफाइन कर सकते थे आपने यहाँ पर पेज पर। अब देखिए किसी पर भी मैं विड्थ विड्थ कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, तो अगर आप 2 डिव और बढ़ा देते हैं यहाँ पर पेज पर तो आपको 2 डिव, लेट से मैंने इस पे कॉपी किया और 2 डिव और बढ़ा दिए, तो मैं कॉपी पेस्ट यहीं पर निश्चय कर दे।
आपका 8 डिव बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेज पर मैंने 8 डिव बनाए, कॉलम्स के बीच में गैप चाहिए, रोज के बीच में गैप चाहिए, तो आपके पास प्रॉपर्टी है, आप बेसिक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी करी ग्रिड कॉलम, आपने का तो आप देखिए जो भी डिव्स आपने डिवाइन कर रखा है उसमें क्या होगा, बीच में गैप आना चाहिए। आप ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी की जगह पर आपने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो देखी थी ग्रिड गैप, तो आपको ग्रिड गैप की जो कॉलम गैप प्रॉपर्टी थी उस कॉलम गैप की प्रॉपर्टी को आपको लिख के दिखाते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा कॉलम गैप, आपने कॉलम्स के बीच में गैप करना है, तो कॉलम्स के बीच में देखिए गैप आ रहा है 16 16 16। अगर आपको रोज पे गैप चाहिए तो आपके पास प्रॉपर्टी है रो गैप, आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने प्रॉपर्टी लिख दी कौन सी, रो गैप, जिसपे आपने रो गैप से देखिए रोज के बीच में क्या आएगा, गैप बन के आ जाएगा ये। अगर आपको इक्वल ही बनाना है, आपने कहा सर मेरे को इक्वल ही गैप बनाना है, तो आप इक्वल गैप कैसे बना सकते थे, यहाँ पर पेज पर आप देखिएगा इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेपरेट आप एक जगह पर ही लिख सकते थे। आपके पास एक प्रॉपर्टी है गैप, इसमें आपने क्या कर दिया, 1 ईएम लिख दिया, तो अब क्या होगा, रो गैप और कॉलम गैप्स को आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, आपने गैप्स खुद से डिफाइन कर दिए। यहाँ पर आप पेज पर अगर अभी इस आउटपुट को देखते हैं तो ये देखिए इक्वल ही है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, रो गैप और कॉलम गैप्स को आपने एक ही प्रॉपर्टी लिख दी, कौन सी, गैप प्रॉपर्टी, गैप में 1 ईएम लिख दिया, तो क्या होगा कॉलम्स का गैप बन। आपने कहा सर मेरे पास जो डिव बन रहे हैं मैं डिव की क्या हाइट डिफाइन कर सकता हूँ, डिव की हाइट ध्यान से नोटिस कीजिए, विड्थ डिफाइन करने के लिए आपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी का यूज किया। अगर आपको ग्रिड की हाइट डिफाइन करना है तो उसके लिए आपके पास ग्रिड टेम्पलेट रोज प्रॉपर्टी है। लेट से आपने कहा सर जो रोज बने उन रोज में पहली वाली जो रो बने उसका 100 पिक्सल की क्या हो हाइट, और जो दूसरा वाला डिव बने उसकी हाइट जो हो वो 200 पिक्सल की। तो पहली रो की तो आपने हाइट दी है 100 पिक्सल की, और दूसरी रो की कितनी देखी है 200 पिक्सल की। अगर मैं इस आउटपुट को अगर आउटपुट पे देखता हूँ यहाँ पर आप देखिए तो पहला वाला 100 पिक्सल की हाइट दिख रही है और दूसरे वाले की आप देख रहे होंगे दूसरी रो कितने पे बन रही है 200 पिक्सल की बन रही है। लेट से डायनेमिकली डेटा आता आप किसी अमेजोन प्राइम या फिर आप कोई फ्लिपकार्ट या फिर कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहां पर कि आपके पास डायनेमिकली कितने डिप बाद में बनेंगे ये आपको पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने लेट से ये चीजें कॉपी करी। अब आप देखिएगा इस पॉइंट को समझिएगा, अगर डायनेमिकली कल के दिन आपने 4 डिव और बना दिए, कंट्रोल प्लस एस सेव किया और जाकर अगर आप आउटपुट को देखते हैं, अगर आप पेज पर इस आउटपुट को देखते हैं, देखिए अगर मैं इस आउटपुट को देखता हूँ पेज पर तो आपको इन डिप्स की हाइट ही नहीं दिखाई दे रही, तो 1 2 3 4 करके आपके पास बने डायनेमिकली। तो अब आप क्या कर सकते थे, आपने कहा कि अगर कोई डिप ऑटोमेटिकली कल के दिन ऐड होगा, ये डायनेमिकली सोच है, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट के पास में देखिएगा आपके पास यहाँ पर ऑटो रोज प्रॉपर्टी है ग्रिड ऑटो रोज, कि ऑटोमेटिकली कभी रोज बने तो उनकी हाइट हमेशा कितनी पिक्सल की बने 200 पिक्सल की, ये डिफाइन हो या आपने डिफाइन कर दिया। जाकर अगर आप इस आउटपुट को देखते हैं तो आप देखिए जो भी डिप बनेंगे वो कितने हाइट के बनेंगे 200 पिक्सल के बनेंगे। कल के दिन आप इस पे और भी वैल्यूज अगर ऐड करना चाहते हैं ए डॉट एच टी एम एल वाली फाइल पर, कल के दिन आपने मेरे से बोला कि सर मुझे फिर से और डिव ऐड करने हैं, तो लेट से इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर अगर आप इसे सेव करते हैं, अब यहाँ पर पेज पर आउटपुट को देखिए जब भी डिव बनेंगे तो कितने पिक्सल के बनेंगे 200 पिक्सल्स के बनेंगे, क्योंकि आपने ऑटो रोज प्रॉपर्टी का यूज करके ऑटोमेटिकली जब भी रोज बनेंगी वो कितनी विड्थ की बनेंगी उस इस पर्टिकुलर हाइट की बनेंगी, ये आपने मेंशन कर दिया, ये हाइट मेंशन करने के लिए। तो डायनेमिकली जब भी पेज पर डेटा ऐड होता रहेगा तो किस तरीके से ये डेटा ऐड होते रहे उसके लिए आपने यहाँ पर डिव्स को ऐड किया। डिव को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने ऑटो रोज या फिर ग्रिड टेम्पलेट रोज इन प्रॉपर्टीज का यूज किया। और सिंपल सा अब आपको क्या करना चाहिए, जब आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो आपको एक सिंपल सा लेआउट बनाना चाहिए, एक बेसिक सा डिजाइन बनाना चाहिए। इससे मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, आपको एक गैलरी बनानी चाहिए, इमेज गैलरी, आपको इमेज गैलरी बनानी चाहिए यूजिंग ग्रिड बनानी चाहिए, बहुत बेसिक सी। और बेसिक सी में अभी आपने क्या सीखा है, आपकी अगर आप पेज पर बात कर रहे हैं तो आपने कुछ इस तरीके की गैलरी बनाना सीखा है, आपको बस आईएमजी एसआरसी टैग का यूज करना है, जहां पर आपने 1 2 3 4 लिखा है उसकी जगह पर आप आईएमजी एसआरसी से इमेज को पाथ को दीजिए और आईएमजी के लिए सीएसएस सेट कीजिए, हाइट और विड्थ को 100 100% कर दीजिए, आपका डिप खुद से सेट होकर आ जाएगा, आपकी गैलरी बन गई। अगला पार्ट आता है जब आप ग्रिड पे बात करते हैं, तो अगला पार्ट कुछ इस तरीके का है कि अगर सर मुझे ऐसी इमेज गैलरी बनानी हो तो मैं कैसे बना सकता था, ये इमेज गैलरी पे अगर मैं पॉइंट पे बात करूँ तो तब आप ग्रिड का यूज कर सकते हैं। देखिएगा ये दो कैप्चर कर रहे हैं, ये पूरा कहीं आगे तक आ गया है,
ठीक है, यहाँ पर किसी की हाइट ज्यादा दिखती है, किसी की कम दिखती है। अगर आप इस इमेज गैलरी की बात करते हैं तो आप किसका यूज कर सकते हैं, ग्रिड का यूज कर सकते हैं, तब आपको ग्रिड यूज करना है। और इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के ग्रिड को यूज कैसे किया जाता है वो आपको समझना है। तो एक पार्ट तो आपका कंप्लीट हुआ, एक पार्ट आपने समझा कि भाई ग्रिड पे कैसे आप ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है ये वाला पार्ट कि अगर मेरे को इस तरीके का पेज बनाना हो, इस तरीके का सिनारियो अगर यूज करना हो, तो मैं कैसे इस इमेज गैलरी को बना सकता हूँ, कैसे उस पर्टिकुलर पार्ट को कर सकता हूँ, वैसे पार्ट या कोई भी अगर पार्ट पे बात करते हैं कि मुझे सर मुझे इस तरीके की इमेज गैलरी बनानी है या इस कोई भी दूसरी इमेज गैलरी बनानी है, ये इमेज गैलरी बनानी, कहीं आपको छोटा दिखता है कॉलम्स, कहीं ज्यादा कैप्चर दिखते हैं, कहीं यहाँ पर आपको ज्यादा कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ रोज ज्यादा दिखाई दे रही है, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है कि भाई किस पे प्रॉपर्टीज पे कहीं ज्यादा कहीं कम है, जैसे तो ये अगर आपको बनाना है तो ये कैसे बनाएंगे इसको समझना है अगला पॉइंट। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ, आपको एक पर्टिकुलर पेज दिखाता हूँ जिस पेज को हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए जो अगला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि भाई मुझे ऐसा बनाकर देखना है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसा पेज बना, ठीक है। किसी पे आप देखिए कि ये वाला पूरा का पूरा कवर कर रहा है, ठीक है, ये पूरा कवर कर रहा है, ये आपके दो दो कॉलम्स लेट से कवर कर रहा है, ये आपकी दो रोज को कवर कर रहा है। इस तरीके का अगर आपको पार्ट बनाना है, इस तरीके का पेज बनाना है, या इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरीके का आपको डिजाइन बनाना है, तब आप ग्रिड का यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज करेंगे आपको इसको बेसिकली समझना है। देखिए कितने डिव्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिव्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस पार्ट को बनाने के लिए, आपने एक लेट से फाइल बनाई और इस फाइल का नाम मैंने बी डॉट एच टी एम एल लिखा। मैं यहाँ पर पेज पर आया, बी डॉट एच टी एम एल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क ऑल्ट प्लस जेड, एक सिंपल सा डिव बनाया, लेट से डिव डॉट कंटेनर नाम से मैंने डिव बना दिया। इस डिव के अंदर मैंने 6 डिव बना दिए, डिव डॉट आइटम डॉलर मल्टीप्लाइड बाई 6, मैंने 6 डिव बना। अब 6 डिव के लिए अलग अलग सीएसएस डिफाइन करने के लिए मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूँ, स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर मैं आया और स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर स्टाइलिंग कर देता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पर पेज पर मैंने सिंपल सा काम किया, मैंने स्टाइल एक स्टाइल फोल्डर के अंदर एक स्टाइल फाइल बना देते हैं। लेट्स इस फाइल का नाम मैंने style1.css लिख दिया और style1.css वाली फाइल पर सिंपल सा काम मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया मार्जिन। मार्जिन पे लेट्स से मैंने 0 पिक्सल मार्जिन दे दिया, पैडिंग डिफाइन कर दिया 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग डिफाइन कर दिया बॉर्डर बॉक्स, और जो भी मैंने कंटेनर डिप बना रखा है उस कंटेनर वाले डिप के लिए सीएसएस लिख दी कुछ यहाँ। हर एक आइटम के लिए सीएसएस लिख दी, लेट्स से मैंने आइटम 1 डिफाइन कर दिया, आइटम 2 डिफाइन कर दिया, यहाँ पर मैंने सीएसएस लिख दी, लेट्स से मैंने आइटम 2 डिफाइन कर दिया, आइटम 3 डिफाइन कर दिया, आइटम 4 डिफाइन कर दिया। इस तरीके से मैं यहाँ पर डिप्स डिफाइन कर देता हूँ, आइटम 4 और आइटम नंबर 5, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया, और आइटम नंबर 6 अगला है, आइटम नंबर 6 मैंने ये डिफाइन। अभी थोड़ी देर पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए आए हैं, हमने एक सिंपल सा काम किया, लेट्स से इसकी विड्थ डिफाइन कर दी 100 VW। मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया कि भाई जो कंटेनर रहेगा उस पर अगर बॉर्डर दिखाना है तो आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर से लेट्स से आपने बॉर्डर दे दिया। अब आप चाहते हैं कि आपको कितने डिप्स बनाने हैं, अब आप ध्यान से फोकस कीजिएगा मेरी बातों पर, क्योंकि यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जब कोई बंदा डिजाइन देता है, जैसे कि कोई बंदे का मतलब क्या, जो डिजाइनर है वो आपको डिजाइन देगा, तो डिजाइन पर नंबर ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं। कैसे डिजाइन होते हैं यहाँ पर अगर मैं पेज पर बात करूँ तो आप देखिएगा, जब आप उसे कहा जाए कि ये पेज आपको बनाना है तो कहीं ना कहीं नंबरिंग पड़ी हुई होगी। अब आप देखिए जब आपको ग्रिड समझाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कैसे बनते हैं तो डिजाइन होते हैं, उन डिजाइन पर आपको नंबरिंग ऐसी लाइनिंग पड़ी हुई दिखाई देती है कि भाई कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं। अब यहाँ पर अगर आप पेज को बना रहे हैं तो आपके पास अभी के केस में क्या नहीं पड़े हुए हैं, तो लाइंस नहीं पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर लाइंस खुद से सोच रहा हूँ। जबकि जो डिजाइनर होगा जो आपको डिजाइन देगा कि भाई ये पर्टिकुलर पेज बनाना है, उस डिजाइन को आपको पहले से बनाकर दे दिया जाएगा, क्योंकि फिग्मा या फिर एडोबे XD की वेबसाइट पर बना के आप समझ सकते हैं। मैं आपको वो एडोबे XD या फिर फिग्मा का डिजाइन नहीं समझाता हूँ, मगर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एडोबे XD पढ़िए, फिग्मा क्योंकि परचेज हो चुका है, एडोबे XD ने परचेज ले लिया है, ले लिया खरीद लिया है।
आप Adobe XD पढ़िए कि कैसे पेज के डिजाइन बनते हैं। यहाँ पर अगर आप पेज पर बात कर रहे हैं, ये आपके पास डिजाइन है, तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर एक लाइन पड़ी हुई है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो मैं ये ऐसा कुछ मान रहा हूँ कि भाई चार मेरे पास क्या है कॉलम्स हैं, ऐसा कुछ मैं मान रहा हूँ, क्योंकि इस पर लाइन पड़ी नहीं है तो मैं मान रहा हूँ। और रोज तो ऑटोमेटिकली बनने वाली है, 1 2 3 4 5 मेरे पास रोज है, ऐसा कुछ है, तो मैं ऑटोमेटिकली रोज बनेंगी, उस पर मैं फोकस नहीं करके, मैं सिर्फ कॉलम्स पे अगर फोकस करूं, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया इस जगह पर, यहाँ पर मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई रिपीट होने चाहिए, चार कॉलम्स बने और इक्वल इक्वल फ्रैक्शन के बने, तो आपने क्या डिफाइन कर दिया, 1 FR डिफाइन। यहाँ पर अगर आप पेज पर बात करते हैं, तो आपने सबका बैकग्राउंड कलर एक अलग अलग दिया, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आप अलग अलग डिप्स को बना रहे होंगे, और हर एक का डिप का मैंने कलर ऐसा कुछ अलग अलग कर दिया। बैकग्राउंड कलर हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी अब यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने उस हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझाया कि उसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज, आप ग्रिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। आपने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लेट से सबके अलग अलग कर दिए, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर लेट से इसका ये दे दिया, और छठे वाले डिप का आपने बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया। ये आपके पास अगला पेज है, लेट से ये आपने डिप डिफाइन किया। जाकर अगर b.html वाली फाइल पर आप देखते हैं, तो आपने उस css वाली जो फाइल है उसको लिंक करा देना है, लिंक css, आपने स्टाइल डिफाइन करा, स्टाइल फोल्डर के अंदर में जो भी आपके पास स्टाइलिंग है, लेट्स से स्टाइल के अंदर style1.css ये आपने लिखी है, उसको आपने इंक्लूड करा दिया। ओपन विथ लाइव सर्वर अगर पेज पर करते हैं, ये आपके पास पेज है, यहाँ पर आप पेज पर देखिए ये आपको कहीं ना कहीं डिप दिखाई देने चाहिए थे। देखिए अब पॉइंट पे बात करें कि भाई जितने भी डिप्स हैं, उन डिप्स पे आपने कोई भी हाइट की प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपने कोई भी हाइट नहीं दी है, तो अगर आप यहाँ पर हाइट्स की प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते तो आप कैसे कर सकते थे, ग्रिड टेम्पलेट रोज आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। लेट से दो तीन मैसेज दे दे रहा हूँ, ठीक है, Ctrl+S मैंने सेव किया। जाकर आप पेज पर अगर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टीज देखिए, जो आपने प्रॉपर्टीज पहले वाले पे दी हैं उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए तो style.css वाली फाइल को चेक करते हुए, यहाँ पर आप पेज पर देखिए ग्रिड टेम्पलेट रोज आपकी पास प्रॉपर्टी थी, आपने ग्रिड टेम्पलेट रोज प्रॉपर्टी का यूज किया है। देखो ग्रिड टेम्पलेट रोज प्रॉपर्टी का यूज किया है, 4 1 FR 1 FR ये डिफाइन कर दिया है, और मेन कंटेनर की लेट से मैंने एक हाइट डिफाइन कर दी, लेट से कितनी 500 पिक्सल मैंने इसकी एक हाइट दे दी, ये मैंने ऐसा कुछ दे दिया। Ctrl+S सेव किया। जाकर आप पेज पर देखिए ये आपके पास मेन कंटेनर बन रहा है, और मेन कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, आइटम 1 आइटम 2 जो लिखे हैं यहाँ पर, उनकी CSS देख लेना, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम 5 और आइटम 6, ये आपके पास डिव है, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम 5 और आइटम 6 ये आपने डिफाइन किए हैं। यहाँ पर आपने 100 VW हाइट दी है, बॉर्डर दिया है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज प्रॉपर्टी का यूज किया है, चार डिप बनने चाहिए, इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के बनने चाहिए, रिपीट 1 FR यूज किया है। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिए तो आपको डिफ दिखाई देने चाहिए, तो डिफ इस पर्टिकुलर पेज पर b.html वाली फाइल पर style1.css देखना। आप यहाँ पर पेज पर आए, मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, तो एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी मिसिंग है, ग्रिड नहीं लिखा है CSS पे, बिल्कुल ठीक है, सचिन ने पकड़ लिया। तो यहाँ पर अगर मैं पेज पर बात करता हूँ, तो देखिए पेज पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, डिस्प्ले ग्रिड ही नहीं लिखा है, जब तक मैं ग्रिड नहीं लिखूंगा तो बाकी प्रॉपर्टीज तो कैसे अप्लाई करूंगा। यहाँ पर आप पेज पर देखो 100 पिक्सल ये मैंने डिफाइन कर दिया कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 जैसे डिप बन चुके हैं, ठीक है, 6 डिप बन गए। अगर आपको स्ट्रक्चर की बात करी जाए, तो आपको ऐसा डिप बनाना था, ठीक है, ये आपको बनाना है, तो अब आप कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अब वो यही आपको ध्यान देना है, क्या किया, इंस्पेक्ट पैनल की प्रॉपर्टी पर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेज पर देखिए कंसोल, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपके पास नंबरिंग बनी हुई आ रही है, देखो 1 से लेकर 5 तक लास्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कॉलम्स में, रो में 1 बीच का 2 और फिर लास्ट में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ऐसे कुछ नंबरिंग बन रही है। आपको इस वाले डिप को बढ़ाना है, जिस डिप को आपको बढ़ाना है 1 से लेकर 5 तक पहुंचाना है, तो आप कैसे कर सकते थे, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी को देखिएगा, अगर आपको 1 से लेकर 5 तक पहुंचाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड कॉलम, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी है, देखो ग्रिड के पास में ग्रिड कॉलम स्टार्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, आप कौन से नंबर से पहुंचाना है, 1 नंबर से बढ़ाना, कहाँ
कहां तक पहुंचाना है? 6 नंबर तक पहुंचाना है, 5 नंबर तक पहुंचाना है। तो ग्रिड कॉलम एंड प्रॉपर्टी है, कौन से नंबर तक पहुंचाना है? 5 तक पहुंचाना है। तो 1 से लेकर 5 तक ये डिप पहुंचे, आपने इस पर प्रॉपर्टी लिखी। अब आप देखिए ये वाला डिप बढ़ के 1 से लेकर कहां तक पहुंच चुका? 5 तक पहुंच चुका। अगर आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिखते हैं तो इसके शॉर्ट हैंड्स भी हैं। कैसे शॉर्ट हैंड्स हैं? अगर आप इसे शॉर्ट हैंड पे लिखना चाहते हैं, देखिए आप यहाँ पर प्रॉपर्टी पे देखते हैं तो आपके पास ऐसे शॉर्ट हैंड्स हैं। आपने यहाँ पर ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी का यूज किया, 1/ कैसे बढ़ाना है, लेट से आपने स्पैन प्रॉपर्टी लिखी, कितना? 5। यहाँ पर आप स्पेन 5 इस तरीके से अगर प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो देखिए 1 से लेकर कहाँ तक पहुंच रहा है? 5 तक पहुंच रहा है। आपके पास इसकी जगह पर भी आपके पास शॉर्ट हैंड है, आप ऐसे भी नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं? /5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपने कंट्रोल प्लस से सेव किया, जाकर अगर आप पेज पर आउटपुट को देखते हैं, ये देखिए 1 से लेकर 5 तक आपके पास डिप पहुंचा हुआ है, आपने ये डिफाइन कर दिया। अगर आप दूसरे नंबर को भी बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पर कीजिए, या आपके पास नया वाला पे यहाँ पर जाकर फोकस कीजिए इस पॉइंट पर। देखिए कैसे आप कर सकते थे, 1 से लेकर 5 तक इसे भी बढ़ाना है तो आप दूसरे नंबर को भी बढ़ाइए। आपने कॉपी किया, फिर से 1 से लेकर 5 तक इसे भी बढ़ा दिया, सेव किया, जाकर अगर मैं पेज पर इस आउटपुट को देखूं तो आप देखिएगा दूसरे नंबर का जो डिप है ये भी आपको बढ़ाना है, तो 1 से लेकर 5 तक ही आपका डिप बढ़ चुका होगा। अब आप पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर उस नंबरिंग पड़ी हुई आ रही है, ग्रिड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नंबरिंग पड़ी हुई आती है। अब आपको क्या करना है, देखिएगा ये आपके पास नंबरिंग बन के आती है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ये वाले डिप को बढ़ाना है। अब इस डिप को जो बढ़ाना है आपको 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक बढ़ाना है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर रिजल्ट को देखते हैं तो इस रिजल्ट पे देखिए ये 1 नंबर से लेकर कहाँ तक? 3 नंबर तक, लेट से बढ़ाना, दो दो कॉलम्स कवर कराने, इसको भी दो दो कॉलम्स कवर कराने। तो ग्रिड 1 से लेकर 3 तक दो वाले डिप को आपको कवर कराना है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख सकते थे। यहाँ पर आप ऐसी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्या आपने लिखा? ग्रिड कॉलम 1/ कितने तक? 3 तक। और यहाँ पर भी आपने डिफाइन कर दिया, आपने कहा भाई ये वाला जो डिप है ये भी ग्रिड कॉलम जो मेरे को डिफाइन करते हुए दिखे, यहाँ पर आप पेज पर आए, आपने लिख दिया 1 से लेकर 3 तक, वो नंबरिंग को देखते हुए, ऊपर की नंबरिंग को देखते हुए आपको फोकस करना है। आपने लिखा 1 से लेकर 3 तक, आप देखिए अब आपके जो दो डिप हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक बढ़ गए हैं? 3 तक बढ़ गए, ये वाला भी और ये वाला। ये वाले डिप को आपको यहाँ पहुंचाना है, इस वाले डिप को यहाँ पहुंचाना है, तो आप देखिए रो वाइज तो आपको 3 से लेकर 5 तक इसे करना है इस वाले डिप को, और कॉलम वाइज इसे 3 से लेकर 5 तक पहुंचाना है। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर डिप पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों सोचना है। यहाँ पर आप पेज पर अगर आउटपुट देखते हैं तो आपको ग्रिड कॉलम 3 से लेकर कहाँ तक पहुंचाना है? इसे 5 तक। और ग्रिड रोज पर अगर बात करते हैं तो ग्रिड रोज में भी आपको इस प्रॉपर्टी को 3 से लेकर 5 तक पहुंचाना है। यहाँ पर आप अगर सेव करें, अब जाकर डिप को अगर देखते हैं तो ये वाला डिप देखिएगा, ये वाला डिप यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब आपको इस वाले डिप को पूरा कवर करवाना है, तो छठे वाले डिप को अगर पूरा कवर कराना है तो आप यहाँ पर पेज पर आते हैं, यहाँ पर आप पेज पर प्रॉपर्टी लिखते हैं ग्रिड, और ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी पे 1 से लेकर अगर आप 5 लिख देते हैं, कंट्रोल प्लस से सेव किया, तो अगर इस आउटपुट को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये पेज पूरा का पूरा क्या बन चुका है, जैसा आपको बनाने के लिए बोला गया था ये नंबरिंग के हिसाब से ऐसा बन चुका है। यहाँ पर आप इस आउटपुट को देखें तो ये आउटपुट कुछ ऐसा ही आपको चाहिए था। आप हाइट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट रोज। अगर आपको हाइट को चेंज करना है तो आप यहाँ पर ही लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट ऑटो रोज, जब भी ऑटोमेटिकली बने तो ऑटोमेटिकली कितने की बनेगी? 200 पिक्सल की बने, तो 3 का तो आपने हाइट दी है, 3 के अलावा जो भी बनेगी उसकी कितनी हाइट होगी? 200 पिक्सल की होगी। यहाँ पर आप पेज पर कुछ इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते थे। अब अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि सर लेट्स से ठीक है मैंने ये पेज बना दिया, तो अब आपको करना क्या चाहिए? आपको बेसिकली इस चीज को समझ के, मैंने जो आपको सिनारियो बोला, मैंने कहा कि भाई ऐसी इमेज गैलरी बनाकर देखिए, ऐसी इमेज गैलरी बनाकर देखिए, आप क्या करोगे? पहले इन डिप को समझेंगे, कितना किसको बढ़ाना है, कितना किसको छोटा करना है, ये आपने बनाया, उसके बाद आप क्या डाल देंगे इसके अंदर? IMG स्वास्तिक करके इमेज डाल देंगे। अब अगला पॉइंट आता है कि सर अगर मैं इस पेज को मिनिमाइज करूं, अगर मैं इस पेज को मिनिमाइज करूं तो क्या सर ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब रिस्पॉन्सिव करना है तो आप रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है, दो तरीके आपको समझाते हैं। यहां पर अगर आपको रिस्पॉन्सिव करना होता मेरे दोस्त, किस किस स्क्रीन पर आने के बाद आप ब्रेक करना चाहते हैं, वो उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी? मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी। एक तरीका मीडिया क्वेरी का है, पहला आपने यहाँ पर मीडिया क्वेरी डिफाइन कर दी। कैसे डिफाइन करते हैं? मीडिया स्क्रीन ऐसा कुछ लिखते हैं, तो @ मीडिया स्क्रीन ये आपने डिफाइन कर दिया। आपने कहा कि भाई एंड जब भी आपका जो डिव है मैक्सिमम विड्थ, अगर किससे, जब आप डेस्कटॉप पे बात करते हैं तो 767 या 768 पर अगर शायद आप डिफाइन करते हैं, ऐसे कुछ डिफाइन करते हैं। देखिए
यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया एक सिंपल सी, मैं प्रॉपर्टी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर पेज पर अगर मैं आता, मैं यहाँ पर गूगल पर डिफाइन कर देता google.com, और यहाँ पर मैं अगर देखूँ मीडिया क्वेरी फॉर द रेंज टैबलेट मोबाइल एंड डेस्कटॉप, यहाँ पर अगर मैं पेज पर इसकी रेंज को देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपके पास इस पर्टिकुलर जगह पर देखिएगा 768 पिक्सल पर आपको मीडिया क्वेरी पोर्ट्रेट मोड पर दिखाई दे रही है, और ये आपको 767 पिक्सल पर आईपैड या इस पर दिखाई देता है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपने डिफाइन कर दिया, लेट्स से 768 पिक्सल से नीचे जैसे आए तो वैसे ही लेट्स से मैं एक सिंपल सा डिफाइन करके देखता। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो मैंने आइटम 1 बना रखा है, लेट्स से यहाँ पर सिंपल सा मैंने कहा, मैंने कहा जो आइटम 1 बना रखा है उसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाए, समझते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया, जाकर अगर मैं पेज पर देखूं क्या ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पैनल किया, पेज के साइज को पहले कम कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस माइनस, हो सकता है कि उससे वजह से दिक्कत हो, तो ऐसे क्लोज कर लो। यहाँ पर पहले पेज को देख लो कि इसका व्यू तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कंट्रोल प्लस 100% पे है, ठीक है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पैनल किया, और यहाँ पर सीएसएस को पकड़ा देखो। एक तरीका ये है, दिस इज द वन वे, ठीक है, बट इसको भी हटा देंगे। यहाँ पर आप पेज पर आए, देखिएगा ये, देखिए ये डिफ क्या हो रहा है, जब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो इस डिफ का कलर चेंज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जिससे सब अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये पकड़ने के लिए। तो मैंने यहाँ पर पेज पर, अब करना क्या होता है जब आप ये डिफाइन करते हैं, देखिएगा आपको कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर देनी है, क्या करो, सिंपल सा फंडा, आपने कहा कि जब ये डिफ मिनिमाइज हो रहा है या ये डिफ इससे ऊपर जा रहा है, इससे ऊपर जा रहा है तब चेंज हो, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर मेन की जगह पर मैक्स की जगह पर क्या लिख सकते थे, मेन विड्थ लिख सकते थे, ठीक है, आपने कहा 768 पिक्सल से जैसे ही ऊपर जाएगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, यहाँ से 768 पिक्सल से जैसे ही ऊपर जाएगा तो तब डिप अलग होगा, या आप मोबाइल पर अगर बात करते तो आप कैसे कर सकते थे, 480 पिक्सल पे कह सकते थे कि भाई जब क्या हो मैक्सिमम विड्थ 480 पिक्सल तक पहुंचे तब आपका बैकग्राउंड कलर, रेट से आपने कहा कि भाई डार्क ऑरेंज हो जाए, किसका, आइटम नंबर 1 का, पकड़ते हैं इस पॉइंट को। देखिए जैसे आप यहाँ पर पेज पर आए, जैसे यहाँ पे जैसे देखो 480 पिक्सल से नीचे आ रहा है, वैसे डिप चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अब चेंज हो रहा है इस जगह पे, ये आपके पास, आपने कुछ इसको अगर देखते हैं तो ये मोबाइल पर चलता मैक्सिमम विड्थ ऐसा देने पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं तो ये, अब आपने क्या कहा कि जैसे ही मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ का मतलब क्या होता है, इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर जाने पर ऐसा हो, तो यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया, लेट से इसके ऊपर जाएगा तब कुछ हो, 667 पिक्सल, कि जैसे 770 पिक्सल से ऊपर जाएगा तब ये ऑरेंज हो। देखिए कंट्रोल प्लस है, सेव किया, जाकर अगर आप पेज पर देखते हैं तो यहाँ पर जैसे 767 से ऊपर जाएगा तो वैसे डिफ कलर चेंज कर रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने कहा कि जब 767 पिक्सल से ऊपर जाएगा तब तब क्या होना चाहिए, तब मेरे को ये प्रॉपर्टीज चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, ग्रिड का जो कॉलम है वो प्रॉपर्टी यहाँ ना होकर ये प्रॉपर्टी कहाँ हो, यहाँ पर, जब डिव 777 पिक्सल से ऊपर जाएगा तब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो। आइटम नंबर 2 पर भी इसी तरीके से, आइटम नंबर 3 पर भी इसी तरीके से, आइटम नंबर 4 पर भी इसी तरीके से, और नीचे आएगा तो डिव जैसे बनते हैं वैसे ही दिखाई दे। देखो आइटम नंबर 3 पर, आइटम नंबर 4 पर, और आइटम नंबर किस पर, 5 पर, और आइटम नंबर 6 पर, ये आपने डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया, आपने कहा जब डिव 767 पिक्सल से ऊपर जाए तब जो आइटम नंबर 2 वाला डिव है तब वो क्या करे, 1 से लेकर 5 तक कवर करे, तब कवर करे, वरना जब कवर नहीं हुआ, जब नीचे आएगा तब कवर नहीं करेगा तो क्या होगा, डिव के नीचे डिव दिखाई देगा, ठीक है, और जब ऊपर जाएगा तब ऐसा हो। और यहाँ पर भी आपने ये वाली प्रॉपर्टी जो लिखी है, लेट्स से इस प्रॉपर्टी को कट किया, और कट करके कहाँ डिफाइन कर दिया, इस पर्टिकुलर जगह पर डिफाइन कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी जो आइटम नंबर 4 पर डिफाइन कर रखी है आपने इसे कट किया, और कट करके किस जगह पर डिफाइन कर दिया, इस आइटम नंबर 4 पर डिफाइन कर दिया, और ये वाली प्रॉपर्टीज आपने आइटम नंबर 5 पर 2 प्रॉपर्टी लिखी थी, इन प्रॉपर्टी को आपने कट किया और ये डिफाइन कर दिया आपने कहाँ पर, आइटम नंबर 5 पर, और ये प्रॉपर्टी आपने लिखी है किसके लिए, आइटम नंबर 6 के लिए, तो ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ से कट करी और ये डिफाइन कर दी किस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, कि तब ये डिव ऐसा हो, तब इस तरीके से ये डिव बने।
कब, जब ये डिप किससे ऊपर जाए, 767 पिक्सल से ऊपर जाए तब बने, और नीचे आए तो ये डिप खुद से क्या करने लगे, अपने आप को रिस्पॉन्सिव करने लगे। देखो दिख रहा है आपको कुछ ना कुछ, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डिप को चेंजेस कर रहे हैं। देखो आगे समझते हैं, आपने डिप डिफाइन कर दिए हैं। अब इसी जगह पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक सिंपल सा चीज एडिशन और करना है। एडिशन क्या करना है, जो आपने ये प्रॉपर्टीज लिख रखी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यहाँ ना देकर इस प्रॉपर्टी को भी आपको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। कहाँ पर, इस जगह पर, कि जब डिव का किस जगह पर आए, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर है, जब ये 767 पिक्सल पे आएगा तब ये रिपीट करे, चार कॉलम्स बनाए, 1 FR के बनाए, ऐसा कुछ आपने डिफाइन किया। अब आप पेज पर देखिए, मैंने इसे सेव किया, जब मैं इसे 767 पिक्सल से नीचे लेके आता हूँ, आप देखिएगा ये खुद से क्या हो गए, सीधे हो गए। देखो हो गए सीधे, और 767 पिक्सल से जैसे ही ऊपर जाएंगे वैसे क्या बन जाएंगे, ये डिफ कुछ इस तरीके से बनेंगे। आप जिस भी स्क्रीन पर डिफाइन करना चाहते हैं, अगर आपने कहा कि सर नहीं मुझे 767 पिक्सल पे नहीं, मुझे चाहिए कि जब मोबाइल पर आए तब ये खुद से ऐसा कुछ हो, तो आप यहाँ पर क्या लिख देते, 40 पिक्सल डिफाइन करते। तो 40 पिक्सल को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, 16 चौक 48 होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते कितना, 40 EM या फिर 40 REM लिख सकते थे, 16 चौक 48 ना, ठीक है, तो 40 पिक्सल हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते थे, कंट्रोल प्लस है सेव कर दिया, यहाँ पर आप पेज पर आए, देखो अब क्या होगा, जैसे ही ये मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचेगा, जैसे ये मैंने मिनिमाइज किया, जैसे मोबाइल स्क्रीन पर आया, देखो तो जो भी आपने लिखा होगा, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आप ऐसे यहाँ पर ट्राई करके देख सकते थे इस जगह पर, ठीक है, इन वैल्यूज को देकर, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है ये वैल्यूज, क्लियर, कि भाई किस जगह से, जैसे 40 EM आप, 50 EM आपने लिखा तो 16 × 5 = 80, 800 पिक्सल से नीचे, यहाँ पर आप पेज पर देख लो, जैसे 800 पिक्सल से नीचे आएगा वैसे क्या हो जा रहा है, रिस्पॉन्सिव हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कि जिस जगह पर आपको डिफाइन करना है वो तो आप वैल्यूज लिख सकते हैं, ये आपने डिफाइन कर दिया, इस तरीके से आप इसे पकड़ सकते हैं, हो रहा है, रिस्पॉन्सिव हो रही है, ठीक है, तो ये आपके पास एक एक कॉन्सेप्ट है जिससे क्या आप क्या कर सकते हैं, पेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आप रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है एक, उस कॉन्सेप्ट का यूज करें, कैसे करें, देखिए आपने इसे कॉपी किया, इस पर्टिकुलर फाइल को, जो भी CSS की फाइल है, मैं इस पर्टिकुलर फाइल को ही कॉपी कर रहा हूँ बस, और कॉपी करने के बाद एक और स्टाइलिंग कर देता हूँ। यहाँ पर लेट से मैंने डिफाइन कर दिया style2.css। जो दूसरा तरीका है वो तरीका क्या है, वो तरीका समझिए, आपको क्या करना है, हर एक डिप पर एरिया डिफाइन कर देना है। देखिएगा आपको मीडिया क्वेरी लिखने से पहले, इस मीडिया क्वेरी को लिखने से पहले एक पॉइंट बताते हैं, आप यहाँ पर पेज पर आए, अगर आप मीडिया क्वेरी इतनी इतनी ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं तब का केस है, कंट्रोल प्लस एस, आपने क्या किया, आप हर एक डिप पर डिफाइन कर दें मीडिया क्वेरी। कैसे डिफाइन कर दी, आपने डिफाइन करने से पहले हर एक का एरिया दे दिया, जैसे ग्रिड एरिया नाम दे दिया एक, ठीक है, पहले वाले को लेट से मैंने एक नाम दे दिया क्या, हेडर, पूरा एक नाम दे दिया उसका, और दूसरे वाले डिप का मैंने एक एरिया डिफाइन कर दिया, मैंने कहा कि भी ग्रिड एरिया और इसका एक नाम दे दिया, लेट से मैंने दूसरे वाले का नाम दे दिया नेव, इस तरीके से मैंने नाम डिफाइन कर, तीसरे वाले का मैंने एक एरिया डिफाइन कर दिया, लेट से यहाँ पर पेज पर आया, मैंने लिखा ग्रिड एरिया, देखिएगा बहुत अच्छी चीज है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, लेट से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया क्या, असाइड, ग्रिड एरिया एक प्रॉपर्टी है असाइड, दूसरा मैंने एक यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख दी, मैंने ग्रिड एरिया लिखा, और लेट से इस प्रॉपर्टी पे मैंने यहाँ पर असाइड डाउन ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ, कोई भी एक नाम दे दे रहा हूँ ऐसे, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ये असाइड डाउन लिख दिया, यहाँ पर आपने लेट से इसे डिफाइन कर रखा है, आपने इसका एक नाम दे दिया, कोई भी एक नाम दे दे रहा हूँ ग्रिड एरिया, हर एक के क्या दे दे रहा हूँ, एक नेम दे दे रहा हूँ, जो भी मेरे पास है, लेट से मैंने इसे साइड राइट लिख दिया कि भाई ये राइट की तरफ आ रहा है तो साइड राइट इसका, और ये मेरे पास एक डिव है, मैंने यहाँ पर ग्रिड एरिया डिफाइन कर दिया, और इस एरिया का नाम लेट से मैंने फुटर दे दिया कि भाई जो भी मेरे पास डिव हैं उनके एक एक क्या दे दिया मैंने, नाम दे दिया, कंट्रोल प्लस है सेव कर। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब आपको क्या बनाना है, नाम देने के बाद, नाम देने के बाद आपको बनाना क्या है, अब आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर डिफाइन किया, आपने नाम देने के बाद, देखिए नाम देने का तरीका क्या है,
आपने कहा भाई चार मेरे पास कंटेनर के अंदर चार कॉलम्स होने चाहिए, ये आपने डिफाइन कर दिया। यहाँ पर आपने दे दिया ग्रिड, कौन सा टेम्पलेट कॉलम्स, मेरे पास कितने डिव बने, चार डिव बने। अब आप यहाँ पर देखिए बी डॉट एच टी एम एल फाइल पर, लेट से मैं स्टाइल 2.css को इंक्लूड करा देता हूँ, ये मेरे पास कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया। राइट क्लिक करके अगर स्टाइल 2.css वाली फाइल को आप आउटपुट पे देखते हैं तो यहाँ पर आप पेज पर देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा अभी, ठीक है ये आपको डिफ ऐसे कुछ है, ये यहाँ पर आप पेज पर देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पेज पर देखते हैं, ये यहाँ पर आप पेज पर देखिए, जैसे आपने ग्रिड पर क्लिक किया तो आपके पास खाली नंबरिंग जैसी दिखाई दे रही है। अब पॉइंट पर बात आती है, अब आपने नाम दे रखे, ग्रिड एरियाज लिख रखे हैं, अब पॉइंट क्या है कि सर मेरे को हेडर चाहिए चार के चार कॉलम्स पे, क्या करें कवर करें। अब आप कैसे कर सकते थे, यहाँ पर आपको हेडर को चार के चार कॉलम्स पे कवर कराना है तो आपके पास मेन कंटेनर पर, यहाँ पर आप मेन कंटेनर पर प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी कौन सी लिख रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। इस जगह पर ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पर आप लिख सकते थे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, देखिए ग्रिड टेम्पलेट एरियाज यहाँ पर आप कैसे डिफाइन करा जा सकता है। देखिए आपको एक डिप को चारों कॉलम्स पे कवर कराना है, ठीक है, किसको, हेडर वाले को, नाम दे रखा है आपने पहले वाले आइटम का क्या हेडर, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते थे कैसे, आपने चारों पे कवर कराना, चार पे क्यों, क्योंकि आपने यहाँ चार कॉलम्स बना रखे हैं, ये भी नोटिस कर। और यहाँ पर आपने लिख दिया क्या, पहला लिख दिया हेडर, आपने कहा दूसरा वाला भी हेडर, तीसरा वाला भी क्या हेडर, ऐसे लिख दिया, देखिए यहाँ पर भी क्या लिख दिया हेडर, चार कॉलम्स पे कवर कराना है। देखिए कंट्रोल प्लस एस सेव करते हैं, जाकर अगर आप पेज पर आउटपुट देखने की कोशिश करें तो देखो पहला वाला डिफ चारों कॉलम्स को कवर करने लगा, ठीक है, दूसरा वाला डिफ कितने कॉलम्स को कवर करे वो आपने डिफाइन कर रहे हैं, आपने कहा सर नैब वाला जो है वो भी चार के चारों को कवर करे, तो आपने नैब डिफाइन कर दिया, नैब डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया इसे, नैब डिफाइन कर दिया। अब आप पेज पर आउटपुट पे देखिए आपको ये दूसरा वाला डिफ भी चारों के चारों कॉलम्स को कवर करता हुआ दिखाई देने लगा। फिर आपने कहा कि सर मेरे को जो तीसरा वाला डिव है वो दो कॉलम्स को कवर करता हुआ दिखाई दे, आपने कहा चल जो भी तीसरा वाला है, तो आपने क्या लिख रखा है उसका नाम असाइड लिखा है, ठीक है मुझे याद है प्रॉपर लिखते समय में आइटम नंबर 3 को क्या लिखा है मैंने, असाइड लिख रखा है। और तीसरा वाला जो राइट हैंड साइड वाला है उसको आपने कहा कि सर एक मेरे को इस तरफ चाहिए असाइड राइट, और इस तरफ भी क्या चाहिए असाइड राइट चाहिए, दो आपको असाइड राइट के लिए चाहिए। फिर आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, आपने कहा कि भाई असाइड डाउन और असाइड डाउन ये आपने डिफाइन करा, और यहाँ पर आपने लिख दिया असाइड राइट, और ये क्या लिख दिया साइड राइट, और नीचे वाले इस पे देखिए आप। अब यहाँ पर अगर आप पेज पर आउटपुट देखते हैं तो यहाँ आप आउटपुट को देखिएगा, देखिए बन रहा है नीचे पेज पर, यहाँ पर आपको ये डिव दिखाई दे रहा है। अगर आप अगले पेज पर बात करते हैं, आपको फुटर वाला चाहिए, फुटर वाला चारों कॉलम से डिफाइन करना है तो नाम लिख दिया आपने, क्या लिख दिया यहाँ पर फुटर, आपने क्या लिख दिया इस पे फुटर, आपने क्या लिख दिया फुटर, और इस पे भी क्या लिख दिया फुटर, कंट्रोल प्लस एस सेव कर दिया। जाकर अगर आप इस आउटपुट को देखते हैं, यहाँ पर आप पेज पर इस आउटपुट को देखिए, ये आपके पास आउटपुट बन रहा है, देखो तो फुटर पे भी चारों कवर कर गया, ठीक है मैंने इसे क्लोज कर दिया, देखिएगा पेज पर ये बन गया। अब मीडिया क्वेरी की बात आएगी, सर मेरे को तो क्या करना है, रिस्पॉन्सिव भी करना है, तो आपको रिस्पॉन्सिव करना है ना। अब पॉइंट की बात आती है कि सर मुझे इस पेज को क्या करना है, रिस्पॉन्सिव भी करना है, अब रिस्पॉन्सिव करना है तो रिस्पॉन्सिव करते समय क्या करना है, यही वाली प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है बस। आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने कहा कि सर मेरे को मीडिया क्वेरी अप्लाई करनी है, तो लेस मीडिया क्वेरी पे काम हो जाएगा आपका। देखिए आपने क्या कहा, आपने कहा सर मुझे मीडिया क्वेरी अप्लाई करनी है, तो आप कैसे कर लेते हैं, आपने कहा सर जैसे ही मीडिया स्क्रीन किस पर पहुंचे, एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचे, देखिए 40 em से नीचे अगर आपका डिव आता है तो आपने क्या कर दिया, आपने कहा कि जैसे ही 40 em से मेरे पास क्या हो रहा है डिव नीचे आता है, तो 16×48 480 pixel से जैसे आप क्या करेंगे नीचे मूव करेंगे, तब आपने क्या कहा, आपने कहा कि जो कंटेनर मेरे पास है, जो कंटेनर मेरे पास है उस कंटेनर पर ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये खुद से कुछ इस तरीके से अप्लाई हुई, जो आपने ये प्रॉपर्टीज लिखी है, तो कंटेनर वाले डिफ पर आपने क्या लिख दिया, आपने कहा भी जो हेडर है वो पूरा का पूरा आ जाए, असाइड राइट वाला असाइड वाले भी क्या है पूरे पूरे आ जाए, तो यहाँ पर आपने पूरा पूरा दे दिया। देखो आपने कहा कि चार के चार कॉलम्स को ये कवर कर जाए, ये भी चार के चार कॉलम्स को कवर कर जाए, ये भी आपका असाइड डाउन वाला कवर कर जाए, तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ लिख देते हैं, डाउन लिख दिया आपने, यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया असाइड डाउन लिख दिया, डाउन DOWN ये लिख दिया, और फिर आपके पास क्या असाइड राइट की प्रॉपर्टी है, तो आपने ये डिफाइन कर दिया असाइड राइट, देखिएगा नाम दे रखे हैं आपने असाइड राइट,
यहाँ पर आपके पास स्टेज पर साइड राइट ये डिफाइन कर दिया, साइड राइट ये डिफाइन कर दिया, सिंपल प्लसेस। तो क्या होगा, 480 पिक्सल से जैसे ही नीचे जाओगे यहाँ पर राइट क्लिक करना। अब आपको पेज पर देखना है तो पेज पर प्रॉपर्टीज भी ध्यान देना, यहाँ पर आप पेज पर हैं तो जो भी प्रॉपर्टीज आप दे रहे हैं उन प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान देते हुए यहाँ पर आपने इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया कि भाई जैसे ही 480 पिक्सल पे नीचे आए तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं राइट, और ये भी क्या राइट कंट्रोल प्लस है, फुटर 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 फुटर, फुटर प्रॉपर्टीज यहाँ पर पेज पर, ठीक है। देखना अब उसको प्रॉपर्टी पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इससे 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 ऊपर जा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है, तो मेरे को प्रॉपर्टी चेंज करनी है। कहाँ पर, यहाँ पर मिन की जगह पर क्या लिख के देखूँ, मैक्स लिख कर देखूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस है, सेव किया तो प्रॉपर्टी यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, देखो ये तो डिफ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। इस वाले को सही करना है, ठीक है। यहाँ पर आप डिफ पर ये चेंज कर रहे हैं, देखो तो जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो ठीक है चेंज कर रहा है, और जैसे इससे नीचे आ रहे हैं तो वैसे ही नीचे आ रहा है। आप कौन से वाले को ध्यान देना है मुझे, साइड राइट वाले पर, तो साइड राइट वाले को पकड़ना भाई, कौन सा लिख रखा है मैंने, साइड राइट, साइड राइट, साइड राइट, कंट्रोल प्लस, यहाँ पर पेज पर आए, ये देखो तो 480 पिक्सल से जैसे नीचे आते हैं तो ये है, और जैसे इसके ऊपर जाते हैं ये चीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिव ऐसे होगी, और जैसे नीचे आते हैं तो ये चीज़ उसी तरीके से होती है। तो आप नेमिंग कन्वेंशन का प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हुए भी सही कर सकते हैं। तो ये रहा ग्रिड, अब आप पेज बना सकते हैं किससे, ग्रिड से विद रिस्पॉन्सिव, दिस विल बी इजी टास्क फॉर यू। सारी प्रॉपर्टीज ग्रिड की समझा दी गई, आज सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं कुछ आगे कॉन्सेप्ट के साथ।